हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो नए साल का 2019 का कैलेंडर का जो पहला महीना है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है और साथ ही ख़त्म होने जा रहे हैं सर्दियां और विंटर ख़त्म होने के साथ ही जो नया मेहमान आएगा कैलेंडर में वो आएगा गर्मियां। समर सीज़न आने वाला है। सो गर्मियों में कार के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है आपकी कार का एसी। तो अगर आपकी गाड़ी पुरानी है या अगर कोई सर्विस इश्यूज़ हैं तो आपने देखा होगा आप एसी तो ऑन होता है गाड़ी के अंदर बट उसकी कूलिंग जो है प्रॉपर नहीं मिल पाती है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि किस तरह से आप जो है अपने हाथ से बेसिक पॉइंट्स देख के एसी की कूलिंग जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। गामड़ा वॉइस के इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और पाइए हमारे वीडियो की हर अपडेट सबसे पहले। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। कभी कभार क्या होता है, गाड़ी हमने नई नई ली होती है तो हमें फीचर्स नहीं पता होते हैं और इस कारण से हम जब एसी ऑन करते हैं तो हमें जो है लगता है गाड़ी जैसे ड्राइव करते हैं तो कूलिंग प्रॉपर नहीं आती। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो स्विच है ये हर गाड़ी में आपको मिलता है और इस स्विच का वर्क यही रहता है कि ये जो गाड़ी के अंदर की जो फ्रेश एयर है या जो भी एयर है उसको अंदर ही अंदर सर्कुलेट करता है, ये रिसाइकल करता रहता है एसी के एयर को। अगर आप इसको ऑन नहीं रखते हैं, एक बार ये ऑन करके बताता हूँ मैं आपको, ये लाइट आ रही है मीन्स ऑन है। अभी मैं एसी चलाऊंगा तो मेरे अंदर की जो एयर एसी जो एयर फ्लो कर रहा है ठंडी हवा वो अंदर ही सर्कुलेट होती रहेगी। अगर सपोज़ ये ऑफ रहता है, कभी कभार आपको लगता है कि नई गाड़ी ली उसके बाद भी कूलिंग प्रॉपर नहीं आ रही, तो आप इस स्विच को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर ये ऑफ होगा तो ये क्या करेगा, बाहर की जो एयर है उसको भी अंदर ये सर्कुलेट करता रहेगा, तो आपकी एसी की फीलिंग नहीं आएगी कूलिंग की। तो इसको हमेशा ऑन रखिए ताकि एसी का जो कूलिंग एयर है, जो ठंडी एयर है, वो गाड़ी के अंदर सर्कुलेट होती रहे। रिसाइकल मोड ऑन होने के बाद भी अगर आपकी गाड़ी की कूलिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो आपको सेकंड पॉइंट जो है चेक करने का वो रहता है इसका केबिन फिल्टर। एसी का केबिन फिल्टर आपको ग्लो बॉक्स के अंदर मिलता है। इसके लॉक्स आप यहाँ पर देख सकते हो, दोनों कॉर्नर में इसके लॉक्स होते हैं। यहाँ पे मैं वन हैंड से इसको नहीं खोल पाऊँगा तो पहले मैं कैमरे को फिक्स करता हूँ, उसके बाद इसे खोल के आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा ग्लो बॉक्स जो नीचे खुल चुका है। अंदर क्या दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो लंबी सी पट्टी दिख रही है इसके अंदर एसी फिल्टर होता है। एसी फिल्टर दो टाइप के होते हैं आजकल, तो जो पेपर फिल्टर आता है, पहले जो जाली का फिल्टर आता था। एसी फिल्टर को खोलने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे ये दो लॉक दिए हुए हैं। ये जो हुंडई की बेजिंग यहाँ पे दी हुई है और ये हमारा एसी फिल्टर है। इसे एक बार बाहर निकाल लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये डस्ट से भर तो नहीं गया। वैसे इसको क्लीन नहीं कर सकते, जो पेपर फिल्टर होता है वो वॉशेबल होता है, सॉरी जो जाली वाला फिल्टर होता है वो वॉशेबल होता है, इसे आपको रिप्लेस ही कराना होता है। ये क्लीन नहीं कर सकते, इसे आप वॉश नहीं कर सकते। आप देख सकते हो अभी ये कितना गंदा हो रहा है। तो ये अगर इसमें ज़्यादा डस्ट है तो भी आपकी एसी की जो कूलिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी, इसको आपको रिप्लेस करवाना ही पड़ेगा, इसको चेंज करवाना ही पड़ेगा। अगर एयर फिल्टर भी क्लीन है और उसके बाद भी कूलिंग इशू आ रहा है तो थर्ड जो पॉइंट हमें चेक करना होता है वो होता है गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स, जो गाड़ी के अंदर ही मिलता है। आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं, आजकल हर गाड़ी में फ्यूज़ बॉक्स जो है वो यहीं पर प्लेस किया जाता है बिल्कुल स्टेयरिंग के नीचे। सो यहाँ पे हमें ये सारे फ्यूज़ मिलते हैं गाड़ी के सारे सेंसर स्टेयरिंग के वगैरह सबके, जिसका पूरा जो डायग्राम है वो आपको इसके कवर पे मिलता है। जो फ्यूज़ बॉक्स हमने खोला उसकी कैप के ऊपर सारा डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि एसी का फ्यूज़ कौन सा है। आप देख सकते हो ऊपर से फोर्थ नंबर का जो 10 एम्पियर दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा एसी का फ्यूज़ है। तो हम इसे चेक करेंगे एक बार, ये वाला जो फ्यूज़ है ये एसी का फ्यूज़ है, तो एक बार इसे चेक करेंगे। और ये इतना बारीक होता है कि इसे आप फिंगर से नहीं निकाल सकते, इसका किट होना चाहिए। और इसका किट जो है वो आपको गाड़ी के अंदर ही मिल जाता है। एक बार ही दिखाया था मैं आपको, इसका किट जो है वो बोनट के अंदर, जो एक और फ्यूज़ बॉक्स है जिसमें रिले वगैरह होती है उसके अंदर अवेलेबल होता है। इस वाले बॉक्स में मिलेगा आपको इसका किट। इसे खोल के एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, तो
तो इसका जो कैप है इसके अंदर आपको ये छोटा सा किट दिख रहा है, इसकी हेल्प से हम जो है केबिन के अंदर का जो फ्यूज़ है उसे निकाल सकते हैं। एक बार दिखाया था किस तरह से निकलेगा। सो यहाँ पे किट की सहायता से हम लोग फोर्थ नंबर का फ्यूज़ निकाल के देख लेते हैं। देखिए कितना इजीली निकल गया फ्यूज़। और कैमरा अगर फोकस कर ले तो मैं दिखाता हूँ आपको, फ्यूज़ जो है वो डिफ्यूज़ नहीं हुआ है, ये अभी भी प्रॉपर हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो हमारा जो एसी का फ्यूज़ है, जो कूलिंग का फ्यूज़, वो भी प्रॉपर है, ये ख़राब नहीं हुआ है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ पॉइंट जो है अगर ये भी सही है तो रिले चेक करेंगे जो बोनेट के अंदर, जो अभी मैंने आपको दिखाया जहाँ से हमने एक किट निकाला था उसको चेक करेंगे। उसके अंदर भी आप ऐसा ही एक रिले मिलता है, बड़ा सा फ्यूज़ आता है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। उस वजह से भी आपकी एसी जो है वो कई बार कूलिंग में दिक्कत आती है। तो यहाँ पे दोस्तों एक और फ्यूज़ बॉक्स हमें मिलता है और यहाँ पे हम देख लेते हैं एक इसका जो डायग्राम है उसमें एसी का कौन सा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोर्थ नंबर का सेम 50 एम्पीयर का दिख रहा है, एक बार जूम करके दिखाता हूँ। तो इस वाले रिले को एक बार चेक कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। ये इजीली हैंड से निकल जाएगा। और ये सही है, इस पर कोई कार्बन वगैरह भी मुझे नहीं दिख रहा है। तो मुझे इस वाले बॉक्स में भी कोई इशू नहीं लग रहा, फ्यूज़ बॉक्स भी चेक कर लिया उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर ये सब चेक करने के बाद भी आपको जो फॉल्ट नहीं मिलता है तो ये जो हो सकता है वो आपका अगर ऐसी कूलिंग इसके बाद नहीं कर रहा है, सारा चीज़ें देखने ओके मिलने के बाद भी कूलिंग नहीं कर रहा है, तो जो मे बी फॉल्ट जो होगा वो आपका कूलेंट में होगा। कूलेंट जो है वो आप गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर होता है, इस वाले प्लेस पर होता है कूलेंट, यहाँ पे होता है। सो ये आप घर पे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा। और मे भी अगर मैकेनिक के पास ज़्यादा काम रहा तो शायद गाड़ी आपकी जो है वहाँ पे छोड़नी पड़ सकती है, क्योंकि ये पूरा डैशबोर्ड खुलता है इसमें, और डैशबोर्ड खुलने के साथ ही वो कूलेंट और रिप्लेस करने और सारी प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपको एक या दो दिन गाड़ी छोड़नी पड़ सकती है। दोस्तों इन चार पॉइंट के अलावा दो बेसिक चीज़ें और भी है जिससे आप एसी कूलिंग चेक कर सकते हो, वो मैं आपको एक बार ही दिखा देता हूँ। जो गाड़ी के आपके अपने फ्रंट बम्पर जो होता है उसमें एक जाली वाला आपने पोर्शन देखा होगा जो आप यहाँ पे देख रहे हो अभी, तो ये जो है वो कंडेंसर होता है एसी का। अगर आपकी कूलिंग सही नहीं आ रही हो तो आप इसको वॉशिंग सेंटर पे ले जाके कार को प्रेशर से इस पर पानी भी मार सकते हो, या चाहो तो एयर से भी इसको जो है क्लीन करवा सकते हो। उसके अलावा जो एक और चीज़ जो है वो आप अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो है वो बोनट के अंदर जो रेडिएटर के जो पीछे होता है फ़ैन होता है एक बेसिकली, तो जब भी आप एसी ऑन करते हो एक बार इसको चेक कर लीजिए, अगर ये नहीं चल रहा है तो भी आपकी एसी की कूलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं आएगी। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करने चाहिए, और मे बी आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। इसे करके आप अपनी एसी की कूलिंग जो है घर बैठे चेक कर सकते हैं और अपना टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल वीडियो लेके आता रहूँगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।